सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिमाग कचरे का डब्बा नहीं जिसमें आप क्रोध लोभ मोह अभिमान और जलन रखें। दिमाग एक खजाना है जिसमें आप प्यार सम्मान ज्ञान विज्ञान मानवता दया जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकती हैं। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। आज का पंचांग 9 मार्च 2023 दिन गुरुवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि, रात्रि 8:54 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 5:57 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:57 से 3:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 9 मार्च 2023 दिन गुरुवार, आज आप किसी असंभाव्य साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांस रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी फैसला लेना होगा। किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सकारात्मक लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। बच्चे पढ़ाई पर फोकस रहेंगे। अपनी अपेक्षा के अनुसार काम आगे न बढ़ने से तनाव और निराशा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका असर सेहत पर हो सकता है, बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है, इसलिए नकारात्मक रहें। तनाव दूर करने में कोई व्यक्ति मदद करेगा। आपके द्वारा लिए निर्णय के कारण बड़ा नुकसान होने की संभावना बन रही है, इस कारण आपको पछताना हो सकता है प्रयत्न करने के बाद भी रिलेशनशिप में बदलाव ना होने से खुद के लिए और पार्टनर के लिए नाराजगी हो सकती है। गले से संबंधित तकलीफ ठीक होने में वक्त लग सकता है। सावधानियाँ, कुछ लोग जलन की भावना से आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, परंतु उनसे उलझे नहीं। घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और मान सम्मान का जरूर ध्यान दें बात करते हैं लव लाइफ की। कई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में भी नजदीकियां आएगी। आपकी जीवन शैली और आपका सामाजिक दायरा दोनों ही निरंतर बेहतर हो रही हैं। आपके पार्टनर को इन बदलती परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको इस समय उनकी मदद करनी होगी। आज संबंध और सहायता आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आपको काफी तारीफ भी मिलेगी। इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। बात करते हैं करियर की। आज आप एक दार्शनिक मुद्रा में रहेंगे और गहरी सोच वाली ऐसी किसी भी नौकरी में आज आप सफलता को छुएंगे। शिक्षकों वकीलों दार्शनिकों प्रचारकों और राजनेताओं के लिए आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सांसारिक एवं जीवन के गहरे सवालों के बीच ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय की स्थिति से अपना मुख मोड़ना आज आपकी सबसे बड़ी समस्या है। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों में व्यस्त रहेगी, इससे आपको फायदेमंद एग्रीमेंट मिलेंगे। नौकरी में अपने काम पर किसी का हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि गलती होने पर उसका दुष्प्रभाव आपको ही भुगतना पड़ेगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित कोई पुरानी दिक्कत दोबारा उठ सकती है, सावधान रहें। आयुर्वेदिक इलाज लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
आप स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं जैसे एसिडिटी, अपचय शुष्क त्वचा तथा गिरते बालों से चिंतित रहेंगे। आपको यह समझना होगा कि खूब सारा पानी पीने और किसी बुरी लत को छोड़ने के अलावा आपको यह भी समझना होगा कि संतुलित खाना ना खाना ही इन समस्याओं का मूल कारण है। इसीलिए तुरंत असर करने वाले समाधान ढूंढने की बजाय आपको अपने लिए नया डाइट चार्ट बनाना चाहिए। विशेषज्ञ की सहायता ले अधिक उपयुक्त रहेगा। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।